हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में जो हमने लीनियर कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उसको आगे खींचते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड चल रहा था हमारा, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो उसमें जो सेकंड फार्मूला है उसका आज हम यूज़ करना सीखेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल हमने लिया है एक जैसे कि आप देख सक रहे हो, ये एग्जांपल जो है या क्वेश्चन जो भी बोलो आप, नोटबुक में से लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन किसी टेक्स्ट बुक का नहीं है। क्वेश्चन ये जो है मैंने ही बनाया है। तो अभी इसमें देखोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी है, तो जब x और y की वैल्यू बड़ी है तो दोनों का जो है मीन फाइंड करके देखेंगे। मीन दोनों का जो है अगर इंटीजर वैल्यू आती है, मतलब बिना पॉइंट के मिलता है, पूरी वैल्यू मिलती है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी इसका टोटल कर ले हम 10, 5, 15, 7, 22, 30, 38, 47 एंड 3, 50, 5 एंड 3, 8 एंड 3, 11 एंड 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. तो 28, 280 टोटल है इसका। इसका टोटल करें तो 10 एंड 10, 20, 22, 25, 30, 10 लाइन्स है ये, ठीक है, तो 530, 50, 50, 50, 10 टाइम्स है तो 50 × 10, 500, और इन सब का टोटल हुआ 30, तो 530। अभी इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका मीन आएगा 28, इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका मीन आएगा 53। तो दोनों निकाल देते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट मीन्स 280 डिवाइड बाई 10, तो 28, और y बार के लिए आएंगे सिग्मा y अपॉन n, 530 डिवाइड बाई 10, तो 53। दोनों मीन जो है बिना पॉइंट के इंटीजर वैल्यू है, तो x माइनस x बार वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कॉलम बनेगा x माइनस x बार, देन आफ्टर y माइनस y बार, x माइनस x बार का स्क्वायर, y माइनस y बार का स्क्वायर, एंड x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। तो इन सब में से 28 माइनस करेंगे, उसमें से 28 माइनस करते जाऊँ तो माइनस 4, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 1, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर से 28 माइनस करूँगा तो माइनस 4, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 1, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन सब में से जो है 53 माइनस करेंगे तो 3, 2, 2, 1, माइनस 1, 0, माइनस 1, माइनस 3 एंड माइनस 2। ओके, फिर से देख लें, 53 माइनस करेंगे तो 3, 2, 2, 1, माइनस 1, 0, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 2 एंड माइनस 1। इन सब के स्क्वायर्स करेंगे तो 16, 4, 3 की स्क्वायर 9, 1 की 1,
जीरो जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन फोर नाइन वन जीरो जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन इनकी स्क्वायर करेंगे तो नाइन फोर फोर वन वन ज़ीरो वन नाइन फोर एन इनकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन माइनस सिक्स एंड माइनस फोर टोटल कर दे तो ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स एंड फोर तो फोर्टी माइनस का इसका टोटल कर लें हम टेन एंड एट एटीन एंड वन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी फोर इसका टोटल करें तो ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड ट्वेंटी सिक्सटी प्रोडक्ट फिर से देख ले माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन माइनस सिक्स एंड माइनस फोर टोटल देख ले तो ट्वेल्व एंड टेन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री एंड सेवन थर्टी सेवन फिर से देख लें ट्वेल्व एंड टेन तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड टेन थर्टी थ्री एंड सेवन फोर्टी ओके फिर इधर आ जाऊँ तो नाइन एंड वन टेन नाइन नाइनटीन ट्वेंटी टेन थर्टी फोर इसका टोटल करें तो ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड ट्वेंटी सिक्सटी फॉर्मूला आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई अगर आपको मार्क्स पूरी चाहिए तो आपको लिखना भी पूरा चाहिए एक भी टोटल छूटना नहीं चाहिए या एक भी हेडिंग जो है छूटनी नहीं चाहिए एग्जामिनर को कभी मौका देना नहीं चाहिए कि वो आपकी जो है कहीं पे भी मिस्टेक निकाल सके तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार की स्क्वायर तो जब भी एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी हो दोनों का मीन फाइंड किया इंटीजर वैल्यू है तो जो है ये वाली फार्मूला अप्लाई कर लेंगे दिस फार्मूला इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला टोटल ऊपर लेंगे माइनस फोर्टी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिक्सटी अंडर रूट और यह है थर्टी फोर अंडर रूट 34 एंड 60 कर दें हम तो 2040 एक ही रूट में ले लेते हैं इसका रूट फाइंड कर लें तो है 45.1617 ना 40 डिवाइड बाय 45.17 तो दैट विल गिव अस 0.8855 दैट मीन्स 0.89 माइनस का तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको मिल जाएगा माइनस का 0.89 एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी हो फिर से हम रिपीट कर ले तो ये वाले फॉर्मूला यूज़ करनी है दोनों का पहले मीन निकाल के देखेंगे मीन बिना पॉइंट है तो ये पांच कॉलम बना लेंगे एक्स माइनस एक्स बार का इन सब में से मीन जो है माइनस किया ये हमने 11th में सीखा था डेविएशन फ्रॉम मीन ये एक्स के लिए ये वाई के लिए फिर इन सब की स्क्वायर की इनकी भी स्क्वायर की इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला
टोटल करेंगे तो इन तीन कॉलम का ही टोटल चाहिए। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम जो है ऊपर ले लेंगे, फिर डिवीजन में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट में वो टोटल इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर रूट में वो टोटल। तीनों वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड r।